आपको बता दें कि अब की बार का ये एमसीडी जो चुनाव है दिल्ली का वो बेहद अहम रहने वाला है। बड़ी वजह यह भी है कि 272 जो वार्ड थे उन्हें कम कर दिया गया है, परिसीमन के बाद ये अब 250 वार्ड होंगे और इन तमाम वार्ड पर तमाम पार्टियों की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमित, किस तरह की तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही है, क्या वहां पर हैपनिंग होनी शुरू होगी, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है अब वोटिंग स्टार्ट होने में। जी, तुगलकाबाद इलाके में मौजूद है और जाहिर सी बात है कि बाहरी दिल्ली का इलाका है, बड़ी दूर से हमने भी ट्रैवल किया है। नेताजी यहाँ पर ये तैयार हो गए। रमेश विदोड़ी जी, बाहरी दिल्ली से दूसरी बार के सांसद है, एमसीडी चुनाव है आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली के और अच्छे विकास के, नए विकास के लिए। जो ईमानदारी के साथ 15 वर्ष जनरल एमसीडी ने काम किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार के लोग हैं, सबसे प्रार्थना है जो इस प्रकार के लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं एक छोटे से वर्ग को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं लोग मिसगाइड करके, तो ऐसे अच्छे लोग, समझदार लोग आए और वोट डालें, वोट डालकर अपने मत का उपयोग करें, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग करें। बाहरी दिल्ली का बहुत ही बड़ा स्टेक है आउटर दिल्ली और आप लगातार दूसरी बार इसको पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमसीडी के इस बार आपके इलाके के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विदोड़ी जी? देखो, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे इलाके के, वो एमसीडी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन लोग केजरीवाल साहब से सवाल जरूर पूछेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री से। पानी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, टैंकर माफिया ज्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर गरीब लोगों को। बाहरी दिल्ली? बिल्कुल, बाहरी दिल्ली के अंदर पूरा संगम विहार, देवली, तुगलकाबाद, पूरे एरिया में, अंबेडकर नगर, रजोकरी, महिपालपुर, पूरे इलाके में जाएंगे आप, भाटी, असौला, कहीं भी पीने का पानी नहीं है। 900 एमजीडी पानी की डिमांड हुआ करती है, सॉरी टोटल है दिल्ली के अंदर 1300 एमजीडी की डिमांड है और केजरीवाल साहब ने पिछले 8 साल में एक कहीं पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। सर, एमसीडी चुनाव आज है तो आज आपने क्या तैयारी की है, कुछ खास आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएंगे? नहीं, तैयारी केवल यही है कि बूथ पर जाने के बाद हम अपनी वोट कास्ट करने जाएंगे, तुरंत 8 बजे वोटिंग प्रारंभ होगी, तो लोगों को ये संदेश जाए कि जब जिम्मेवारी के साथ सब लोग वोट करते हैं तो एक सभ्य देश का नागरिक होने के, दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोग घरों से निकले और वोट कास्ट करने जरूर जाएं। तो ये थे बाहरी दिल्ली के सांसद और जिम्मेदारी की बात बताते हुए और हमने तमाम इनको जी बिल्कुल, और हम सुन पा रहे थे कि रमेश विदोड़ी जिनको उनके वोकल होने के लिए जाना जाता है, किस तरीके से तमाम बातें उन्होंने रखी, आप नजर बनाए रखिए। हमें तब का रुख करेंगे लेकिन यतेंद्र का भी रुख कर लेंगे। यतेंद्र, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुश्किल से 12 से 13 मिनट का समय बचा है अब वोटिंग स्टार्ट होने में। देखिए, बिल्कुल कुछ समय ही बाकी है जब वोटिंग का जो निर्धारित समय वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो माउंट कार्मेल में जो पोलिंग बूथ बनाया है वहां पर अभी मतदाता अभी उनका आना शुरू नहीं हुआ। हालांकि एक मतदाता जरूर आ गए हैं यहाँ पर, जो यहाँ के लाइन में भी लग गए हैं। हालांकि अभी 10 मिनट करीबन बाकी हैं जब प्रक्रिया शुरू होगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रसीन अम्बेसी से आया। रसीन अम्बेसी से वोट डालने आए हैं? आपको डालने हैं, जॉब करता हूँ मैं और स्पेशल वोट के लिए आया हूँ। स्पेशल वोट के लिए, यानी कि सुबह सुबह सबसे पहले इस बूथ के मतदाता आप होंगे? जी सर। तो क्या मुद्दे कौन से हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? मैं देश हित में वोट, जो देश के लिए छोटी राजनीति होती रहेगी लेकिन देश में क्या हो रहा है, जब केंद्र सरकार हमारे लिए इतने अच्छे काम कर रही है, मोदी जी दुनिया फैन है उसकी, तो हम देशवासी उसके फैन क्यों नहीं हो सकते? लेकिन 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 यहाँ तो स्थानीय मुद्दों पर वोट होगा क्योंकि निकाय का चुनाव है। सर, निकाय का चुनाव है, आप एक बात सोचिए, जब केंद्र से पैसा आएगा जब तो निकाय चुनाव, मेरा मानने का मतलब है जो केंद्र में सरकार जो काम करे ना, जो केंद्र में सरकार है वो सरकार नीचे भी वही सरकार होनी चाहिए, तभी सारे काम अच्छे ढंग से होंगे। अगर जी बिल्कुल, ये जो वोटर हैं, पहले वोटर हैं इस बूथ के जो अपना वोट डालेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है कि देश हित में जो भी काम करेगा उस देश हित में उसको ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेंगे। और जो आप देख सकते हैं मतदाता जरूर नहीं आए हैं लेकिन आने क्योंकि पौश इलाका है, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स काफी बड़ी संख्या में तैनात है क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो उसको लेकर हर संभव कदम सुरक्षा की तैनाती पूरी तरीके से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। प्रियंका, आपका रुख कर लेंगे। एमसीडी की अगर बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है और अगर आबादी की बात करें जिसका यतेंद्र जिक्र कर रहे थे, तो 3 यूनियन टेरिटरीज या फिर 3 राज्यों के बराबर की आबादी है। ऐसे में ये तमाम जो वोटर्स होंगे, आज दिल्ली का ये दंगल क्या रुख लेगा, क्या हवा रहेगी, ये तय करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो जनता के हाथ में ही है, वोटर्स के हाथ में ही है कि क्या किस तरफ रुख लेगा ये दिल्ली का दंगल। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ वोटर भले ही नहीं आए लेकिन जो यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं वो पहुंच गए हैं। ये पूरा इलाका जो हम आपको बाहर से फिलहाल दिखा रहे हैं, यहाँ पर पोलिंग बूथ बने हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल तैयारियों का अंतिम जो मुआवजा है वो करने के लिए यहाँ पर अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें पूरे वार्ड में अपने घूमना है। और ऐसे में दिल्ली में एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए तो अहम मुद्दों की अगर बात की जाए, कूड़ा सबसे बड़ा
मुद्दा एमसीडी चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार की बात की जाए, केजरीवाल कूड़े पर इस बार बीजेपी को घेरे हुए थे और बीजेपी उन्हें तमाम तरीके के जो सत्येंद्र जैन के तिहाड़ वीडियोस की बात की जाए और जो अलग अलग मुद्दे स्कैम्स की बात की जाए, शराब घोटाले को जो कथित कहा जा रहा है उसके बारे में सब तमाम जगहों से घेरे जाने की कोशिश उन्होंने की है। और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, अंदर हम लोग मौजूद है, इंतजार है पहले वोटर का। हालांकि यहाँ के जो पार्षद प्रत्याशी है बीजेपी के वो अंदर गए हुए हैं, तो ये देखना हमारे लिए दिलचस्प है कि क्या वो वोट डालकर आते हैं या सिर्फ फिलहाल तैयारियों का जायजा लेने के लिए अंदर गए हैं। इंतजार अंकिता उनसे कनेक्ट करने का है, जैसे वो बाहर आते हैं दोबारा आपके साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल प्रियंका बनी रही है हमारे साथ, हम जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, जिस तरीके से आप वहां पर बता रहे थे, दरअसल अगर दिल्ली एमसीडी की बात कर ली जाए तो 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है और ऐसे में श्रीलंका जो कि एक पूरा का पूरा देश है उसके बराबर दिल्ली एमसीडी की ही पॉपुलेशन है। क्या कुछ रुख दिल्ली की जनता आपकी बार तय करने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अब की बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के आसपास लगभग माना जा रहा है कि अब की बार जो मेयर चुने जाएंगे उनकी पावर होगी। देखिए 1,45,00,000 वोटर दिल्ली में इस बार मतदान करेंगे एमसीडी के चुनाव में और निश्चित तौर पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल लाइन इलाके में जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए आएंगे। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस यहां पर मौजूद है। जहां तक बात आपने की कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो इसलिए क्योंकि एमसीडी को छोटी सरकार कहा जाता है। काम बटे हुए हैं, दिल्ली सरकार के अपने काम है, एमसीडी के अपने काम है। जहां दिल्ली सरकार अपने स्कूल अस्पताल चलाती है तो वहीं एमसीडी भी अपने स्कूल और अस्पताल चलाती है। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वो एमसीडी में काबिज हो जाए और एक लंबा कैंपेन का दौर चला और आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन आज वो दिन है जब ये तय हो जाएगा कि जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाएगी। तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए, खासतौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के सामने जहां चुनौती है कि वो अपना किला बचाए तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद, ये दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त साख का सवाल बना हुआ है। जहां आम आदमी पार्टी एक बार एमसीडी में कदम रखना चाहेगी, कोशिश करेगी कि जिस तरीके से राज्य में सरकार है पिछले 8 सालों से वो एमसीडी में भी हो, वही 15 साल की जो विरासत लगातार चली आ रही है इतिहास उसको दोहराना बीजेपी भी चाहेगी। लेकिन लगातार जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वोटर्स की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और बूथों पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। लंबी लंबी कतारें भी लगनी अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी क्योंकि 8 बजे का समय दिया गया है और सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड जरूर होती है, यही बड़ी वजह है कि वोटर टर्नआउट एकदम से निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पिछली बार 54% से ज्यादा मतदान हुआ था और अब की बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई थी और तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे, उम्मीद यही की जा रही है कि अब की बार का जो वोटर टर्नआउट होगा, वोटिंग प्रतिशत होगा, वो 54% से ज्यादा होगा। और अब धीरे धीरे बूथ की ओर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और हर एक इंपॉर्टेंट सीट से हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के दंगल की हर वो तस्वीर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, कौन मारेगा बाजी, कौन होगा दुखी, कौन होगा राजी।